पाळंग साग भजा पखाळ पई आज तयारी करी देखाइबी। रेसिपी स्टार्ट करिबा। एही साग भजिया करिबा पई जे कोनसी कुकिंग ऑयल यूज करि परिबे। गोटे चमच ऑलिव ऑयल गरम हेला परे पंच फुटण गोटे सुखेल लंका फुटाउछि। गोटे मीडियम साइज रो प्याज कटा पकाई भाजीबी। प्याज रो कलर चेंज हेबा परे गोटे मीडियम साइज रो बैगन कटा को पानी रे पकाई थिली ताकु देखि भाजुछि। एबे अध चम्मच रो कम लूण पकाई भाजीबी। एबे अल्प टिके पानी छिंची के घोड़ाई देबी। तीनी मिनिट पई घोड़नी देइतिली, तीनी मिनिट परे घोड़नी काढ़ी की एहा को भाजुछि। बैगन हेला परे दुई बीड़ा पाळंग साग को पकाई भाजीबी। एठी किछ टिप्स शेयर करूछि। पाळंग साग को काटि की धोइबे नाही। पाळंग साग को धोई की काटिला परे जे कोनसी जाली जगह रे पानी निकाडाई देबे। जदि जे कोनसी साग को डायरेक्टली धोई काटि की रोसेई करछने पानी प्रचुर मात्रा रे बाहरी थाए। आपण देखि पारुथिबे सागरु अळपिकिया पानी बाहरुची। एही समय रे फ्रेम हाई देइची। अन्य एक टिप्स जणाउची, पाळंग साग होउ अबा अन्य जे कोनोसी साग होउ सागरु पानी प्रचुर मात्रा रे बाहरी थाए। आपण जदि ओजन कमाउचंती पाळंग साग को निज डाइट प्लान रे मध्य शामिल करि परिबे। एही पाळंग साग एक आयरन फाइबर युक्त खाइबा। एही साग को आपणंकर नित्यदिनिया खाइबारे निश्चिंत शामिल रखंतु। एही साग भुजिया को प्रस्तुत करिया पई 10 रु 12 मिनिट समय लागिला। एही सागर भुजिया को आपण पखाळ भात सहित मध्य खाइ परिबे। रेसिपी गुड़ी को आपन को केमिति लागुचि लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को बिल्कुल भूलिबे नहीं। रहुचि, जय जगन्नाथ।